जिला जेल में विचाराधीन कैदी सूरज रघुवंशी की बीमारी के चलते जेल में मौत हो जाने की सूचना के बाद अफरा तफरी का माहौल। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सूरज पुत्र श्याम रघुवंशी निवासी ग्राम डगोरा जिला अशोकनगर हाल निवासी फ्रेंड्स कॉलोनी गुना की जिला जेल में मौत हो जाने की सूचना के बाद जेल स्टाफ के द्वारा उसे अस्पताल ले जाया गया। जेल सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सूरज पुत्र श्याम रघुवंशी मरीज था और उसका इलाज शिवपुरी में चल रहा था। सूरज के शव को अस्पताल लाया गया, उसका पीएम कराने की तैयारी की जा रही है। रघुवंशी समाज के द्वारा उक्त युवक के पोस्टमार्टम को भोपाल में कराए जाने की बात की जा रही है, जिसके चलते एक प्रतिनिधि मंडल जिला चिकित्सालय पहुँचा। ये एक जेल उपजेल जो अपनी गुना की जेल है उसमें ये कैदी बंद था और चोरी के अपराध में बंद था स्पष्ट, और ये काफ़ी समय से बीमार रह रहा था, जेल में बंद था और इसकी आज सुबह जेल परिसर में ही इलाज के दौरान मृत्यु हो गई थी। किस कारण? अब ये बीमारी से पीड़ित था, यही जानकारी मिली है। और जो बताया प्रारंभिक जो जानकारी मिली इसको बताया गया कि पीड़ित था। वन समिति संघ के चुनाव की हुई घोषणा। वन समिति संघ के चुनाव जोगीपुर में निर्विरोध होते थे, लेकिन इस साल चुनाव वोटिंग के द्वारा किए जाएंगे। इसी के चलते आगामी 28 तारीख को नामांकन, 30 तारीख को नाम वापसी व 4 तारीख को मतगणना होगी, जिसकी तैयारी के लिए आज एक बैठक रखी गई। उधर से क्या नाम से कितने समर्थक साथ आए हैं? आपको निर्वाचन के संबंध में प्रक्रिया से अवगत कराऊं, इसके पश्चात आप जो है जो प्रक्रिया है उसमें भाग लें। मिला तो वो हो गया अध्यक्ष, और दूसरे नंबर पे मान लो 800 मिले 200 मिले सब जाते वो उपाध्यक्ष। चांचौड़ा क्षेत्र के झागर ग्राम में प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष भी दशमी पर तेजाजी का विशाल मेला लगा। मेले में आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से श्रद्धालुओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया। तेजाजी के इस स्थान पर लोगों ने बताया कि यहां पर लगभग 50 वर्षों से मेले का आयोजन किया जा रहा है। आसपास के ग्रामों से लगभग 1 दर्जन से अधिक भगवान के झंडे अलग अलग गांव से लेकर आते हैं, जिन्हें निशान कहा जाता है। यह स्थान पर निशान की पूजा की जाती है, साथ ही भजन कीर्तन का आयोजन भी किया जाता है। ग्रामीणों की मान्यता है कि इस स्थान पर जो भी मनोकामना मानी जाती है वह 12 महीने के अंदर ही पूर्ण होती है। मेले में दूर दूर से लोग आकर अपनी दुकानें भी लगाते हैं, श्रद्धालु दुकानों पर खरीदारी करते हैं। क्षेत्र की महिलाएं बढ़ चढ़कर मेले में शामिल होती हैं। मेले में पुलिस प्रशासन की तरफ से पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था भी की जाती है तथा पंचायत की तरफ से पानी की व्यवस्था भी की जाती है। चांचौड़ा से हमारे सहयोगी शिवम नामदेव की रिपोर्ट। बमोरी में कांग्रेस के नेतृत्व में कांग्रेस विधायक महेंद्र सिंह सिसोदिया द्वारा हजारों किसानों के साथ आंदोलन किया जा रहा है, साथ ही बमोरी में तहसील का घेराव भी किया गया। इस साल भारी बारिश होने के कारण उड़द मूंग मक्का की फसल नष्ट हो जाने के विरोध में प्रशासन से उन्हें मुआवजा दिलाने की मांग की, जिस पर प्रशासन ने किसानों को आश्वासन दिया कि जिन किसानों की फसलें नष्ट हुई हैं उनका सर्वे कराकर उनको मुआवजा दिया जाएगा। इस आंदोलन से पहले ही गुना एसपी निमिष अग्रवाल ने भारी पुलिस बल तैनात करवा दिया था ताकि कोई अप्रिय घटना न हो सके। कांग्रेस की सरकार जब आएगी पूरे कर्ज आपको आपके माफ होंगे, चिंता की कोई बात ही नहीं है, और निसंकोच होकर आप कांग्रेस के लाए भारत सिंधिया के हाथ मजबूत करें। और इसी के साथ आपने जो मुझे टाइम दिया बोलने का, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत किसान भाइयों धन्यवाद। जिला अध्यक्ष जी पांच साल विधायक जी को और मौका दे दो एक बार, और मंत्री बनेंगे भैया।
इस वक्त अति वर्षा के कारण आंदोलन के संबंध में जो उड़द की फसल हमारी चौपट हुई है उसके मुआवजे के लिए आज बमोरी विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक आंदोलन यहां विराट आंदोलन रखा गया, जिसमें हजारों की तादाद में किसानों ने भाग लिया और प्रशासन ने भी हमारी चार मांगे थी, चारों मांगों को पूर्ण करने का आश्वासन प्रदान किया। अस्पताल में मरीजों को नहीं मिला पलंग, मरीज जमीन पर ही लेटे हैं। जिला अस्पताल की 3 मंजिला बिल्डिंग जो कि जर्जर हो चुकी है, वहां मरीजों को नए वार्डों में शिफ्ट किया गया, लेकिन शिफ्ट करने से पहले वहां पर कोई तैयारी नहीं की गई, जिसके तहत मरीजों को नीचे ही लेटना पड़ा। ना वहां पर पलंग रखे हुए थे और ना ही कोई सुविधाएं थी। आपको बता दें कि कुछ समय पूर्व जांच कमेटी द्वारा जिला अस्पताल की 3 मंजिला बिल्डिंग को जर्जर घोषित कर दिया गया था, जिसके बाद वहां के मरीजों को नई बिल्डिंग में शिफ्ट कर दिया गया और बिल्डिंग खाली करा दी गई। लेकिन यह एक सवाल यह भी है कि जब बिल्डिंग हो चुकी थी तो तीसरी मंजिल पर रिकंस्ट्रक्शन क्यों कराया गया, जबकि दूसरी मंजिल का भी यही हाल था। बिल्डिंग की छत पर जगह जगह पानी टपकता रहता था, फिर भी अस्पताल प्रशासन के द्वारा जो जांच कमेटी बाहर से आई थी उसकी बातों को दरकिनार कर उक्त बिल्डिंग में निर्माण कार्य हुआ। इस पर कोई भी जिम्मेदार अधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। कस्तूरबा कन्या महाविद्यालय में चल रहा युवा उत्सव, शहर के कन्या महाविद्यालय में इन दिनों युवा उत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत आज चित्रकारी सहित अन्य प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। आज हमारे यहाँ जिला स्तरीय युवा उत्सव कार्यक्रम का दूसरा दिन है। आज की प्रतियोगिता है वही प्रातः 8:30 बजे से शुरू हुई। सबसे पहले पोस्टर मेकिंग की प्रतियोगिता हमने संपन्न की, स्वच्छ भारत अभियान के ऊपर ये पोस्टर बनाए गए। उसके तत्काल बाद हमारे यहाँ पेंटिंग की विधा जो है प्रारंभ हो रही है, और पेंटिंग का जो सब्जेक्ट है पर्यावरण संरक्षण, ये 2.5 घंटे का समय अवधि इसमें मिलती है भारत शासन द्वारा निर्धारित। इसके बाद में मिट्टी पर आकृतियाँ बनाएंगे, क्ले मॉडलिंग के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था विषय का चयन किया गया है, वो क्ले मॉडलिंग करेंगे। 4:30 बजे तक ये प्रतियोगिता संपन्न होंगी। इस तरह से प्रातः 8:30 से लेकर 4:30 बजे तक आज दूसरे दिन रचनात्मक गतिविधियों के लिए निर्धारित किया गया। और साथ ही साथ हमारे यहाँ पर आज जिला स्तरीय टेबल टेनिस का टूर्नामेंट भी है, महिला और पुरुष दोनों का, जिसमें अशोकनगर से टीम आ गई है, आरोन से टीम एक आ गई है और एक रावगढ़ से टीम आ गई है। और वो किसान महासंघ के द्वारा नगर पालिका के बाहर दिया जा रहा है धरना। किसान महासंघ के द्वारा किसानों की समस्याओं को लेकर नगर पालिका के बाहर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जिससे किसानों के साथ हो रही धोखाधड़ी, फसल खराब होने के बाद फसलों का सर्वे न होना आदि मुद्दों को लेकर यह धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आयोजित किया रहा है आज हमारी समस्या
किसान जब तक सुखी किसान रहेगा, किसान जब की जाएगी हम अपना अधिकार मान लेते शक्ति बिजली खाद पानी देश के भंडार भरेंगे किसानों ने खाना है। आप पूरे प्रदेश में सितंबर माह में 15 सितंबर के बाद 22 सितंबर तक ज्ञापन दिवस चलता है, तो उस ज्ञापन के कार्यक्रम में भारतीय किसान संघ ज्ञापन देने जा रहा है एक माननीय प्रधानमंत्री जी को, एक मुख्यमंत्री जी को और क्षेत्रीय समस्याओं के लिए कलेक्टर साहब को। तो जो मुख्यमंत्री जी वाली समस्या है उनमें एक ही समस्या है कि किसान के सम्मान जगाने के लिए उत्पादन पर पूरा अनुदान जो भी दे रहे हो वो किसान के सीधे खाते में भेजो और प्रधानमंत्री जी को लागत के आधार पर लाभकारी मूल और मनरेगा को केसी किसानी में जोड़ा जाए, ये बिंदुओं को लेकर हम आज ज्ञापन दे रहे हैं। ग्राम झागर से बक्सनपुर तक निकली शिव बारात। झागर में गणेश जी की झांकी लगाई जाती है जिसमें शिव पार्वती जी की बारात निकाली गई, जिसमें समस्त ग्रामवासियों ने अपना अपना सहयोग प्रदान किया, जिसमें झागर से बक्सनपुर तक बारात निकाली गई जिसमें बड़ी संख्या में जनता शामिल हुई। ग्रामवासियों ने बताया कि ये गणेश जी की झांकी 15 सालों से लगाई जाती है और हर बार धार्मिक कार्य किया जाता है। इसमें श्रीकांत मराठा, पंकज मराठा, यश मराठा, अनुज मराठा, आकाश मराठा आदि लोगों ने सहयोग प्रदान किया। इसके साथ ही झागरवासियों ने भी सहयोग दिया जिसमें विवेक किरार, कृष्णा किरार, ओम प्रकाश प्रजापति, राजकुमार ओझा ने अपना सहयोग प्रदान किया। खबरों का सिलसिला आज बस इतना ही, कल नई खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।